दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है लीगल रिसर्च करना, और इसके लिए जो सबसे अच्छी वेबसाइट है वो है इंडियन कानून। ये सर्च इंजन है इनफैक्ट। दोस्तों आप कुछ भी सर्च कर सकते हो यहाँ। सपोज मैं सर्च करूँ कि अविनाश नंदन शर्मा। अब यहाँ ये सर्च का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दें। अविनाश नंदन शर्मा से एक पहले नंबर पे तो वो केस आ गया जो किसी का होगा, अविनाश शर्मा वर्सेस रघु नंदन। ये दिल्ली हाई कोर्ट का मैटर है दोस्तों। दूसरे नंबर पे जब आप चेक करोगे तो शमशाद एंड मुरप्पन, ये मेरा केस था दोस्तों, मर्डर का केस था। दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने इसकी लड़ाई लड़ी और ये लोग फ्री हो गए। और ये तीसरे नंबर पे भी जो केस है ये मैंने ही फाइल किया था। ये 2014 सितंबर की बात है दोस्तों, अमरीश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ अनदर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे इस सर्च इंजन में आप किसी जज के नाम को, जजमेंट के नाम को, उसके इनिशियल नेम, पहले शब्दों को लिखकर आप ये रिसर्च कर सकते हो। अब मैं इसे ओपन करूं, शमशाद मुरप्पन, तो आप देखोगे कि दिल्ली हाई कोर्ट, ये अपील नंबर, ये सारी चीजें हैं दोस्तों। एडवोकेट के नाम भी यहाँ दिखेंगे, अविनाश नंद, मिस्टर अविनाश नंदन शर्मा, जस्टिस मिस मुक्ता गुप्ता, ये हाई कोर्ट की जज थी दोस्तों। और ये लास्ट में जब आप जाओगे तो आप यू विल गेट कि ये अपील इज अलाउड, अपलेट्स आर डायरेक्टेड टू बी रिलीज फोर्थविद इफ नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस। तो आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस तरीके से मैं वापस आऊं और अपने सेकंड नंबर पे अमरीश कुमार वर्सेज स्टेट, ये भी आप देख सकते हो दोस्तों, 2014 का ये मामला था। ये अविनाश नंदन शर्मा, मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया दिल्ली हाई कोर्ट में, रिस्पोंडेंट्स थे स्टेट और दूसरी पार्टी। और ये SC ST एक्ट का मामला था दोस्तों, क्वेशिंग पिटीशन में 482 CRPC, आप चाहे तो ये देख सकते हो, 482 CRPC क्वेशिंग पिटीशन में मैं गया हूँ। और ये मैटर क्वेश हो गया, दोनों पार्टी के बीच समझौता हो जाने के बाद ये क्वेशिंग पिटीशन फाइल किया था दोस्तों। और इस तरीके से अलाउड एंड FIR नंबर रजिस्टर्ड अंडर सो एंड सो, ये क्वेश कर दिया गया। अब मैं फिर वापस आऊं दोस्तों, ये सर्च इंजन है, आप कोई भी जजमेंट सर्च करना चाहते हो, बहुत सारे इसमें तरीके हैं सर्च के। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आप किसी जजमेंट को, इंपॉर्टेंट जजमेंट को सर्च करना का चाहते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, आप अलग अलग तरीके से, दिल्ली, तो दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स आ जाएंगे। आप देखो दिल्ली हाई कोर्ट के सारे जजमेंट्स आ गए, आप सुप्रीम कोर्ट देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ये फ्री साइट है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई पेमेंट नहीं मांगी जाती। और मैं ज्यादातर अपने रिसर्च इसी वेबसाइट से करता हूं। तो मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।